कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में टीकाकरण अभियान भी तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। लखनऊ के सिविल अस्पताल में सीएम योगी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली डोज ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पात्र लोगों से भी कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की है। वहीं वैक्सीन लगवाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देशवासियों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए पीएम मोदी जी का आभार। साथ ही उन सभी वैज्ञानिकों का मैं अभिनंदन करता हूं जिन्होंने समय से भारत में दो वैक्सीन लॉन्च की। ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और हम सभी को ये वैक्सीन लगाना चाहिए। सीएम योगी ने लोगों से अपील की है कि वैक्सीन लेने के बाद भी सभी जरूरी सावधानियां बरतें। आज मैंने भी कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही देश की इस लड़ाई में देश के और दुनिया के लोगों को बचाने के लिए भारत ने जो दो स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की हैं उसमें मैंने भी आज वैक्सीन ली है। देशवासियों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार। देश के उन सभी वैज्ञानिकों का जिन्होंने वैक्सीन समय से दो दो वैक्सीन भारत के अंदर लॉन्च की है उनका मैं अभिनंदन करता हूं। विगत एक वर्ष से उन सभी हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स का भी हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं जिन्होंने कोरोना महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में बहुत प्रभावी ढंग से इस महामारी का मुकाबला किया और मानवता को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। यह वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और हम लोगों को पूरे श्रद्धा और सम्मान के साथ इस वैक्सीन को लेना चाहिए। लेकिन जो प्रोटोकॉल बनाया गया है हम उसका पालन जरूर करें। वहीं कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए निगरानी की गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन में प्रदेश की वर्तमान जनसंख्या घनत्व के अनुसार 25 मीटर रेडियस क्षेत्र में लगभग 20 घर होंगे और 50 मीटर के रेडियस में 60 घर आएंगे। कोविड 19 का एक मरीज मिलने पर दो कंटेनमेंट जोन में एक टीम लगाई जाएगी। जैसे ही इस कोरोना की रिकरेंस होना शुरू हुई, ज्यादा केसेस आने लगे, हमने पहली तारीख को होली के तुरंत बाद सायंकाल एक डीसी करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मेडिकल कॉलेजों के, खासतौर से सरकारी मेडिकल कॉलेजों में, इस बात के निर्देश दे दिए हैं कि जो परिस्थिति है उससे निपटने के लिए हमें तत्काल बेड बढ़ाया जाना चाहिए। और बीसी के माध्यम से उनकी भी परिस्थिति जान ली कि उनकी परिस्थिति क्या है, लेकिन फिर भी अभी जितने पेशेंट्स आ रहे हैं, आज कल लगभग 4100 थे, आज 3900 कुछ हैं पेशेंट्स, लेकिन एक ट्रेंड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये हमारे लिए एक अलार्म है। और हमने लोहिया में भी, केजीएमयू में भी और पीजीआई में भी तीनों डायरेक्टर से बात करके, वाइस चांसलर से बात करके, हमने इस बात का निर्देश दे दिए कि तत्काल इसको बढ़ाया जाए। 1.5 घंटे की बीसी में खासतौर से इसी बात को पर फोकस किया गया कि किसी भी कोरोना के पेशेंट को इधर उधर भटकना न पड़े। जैसे ही वो लेवल 3 का पेशेंट होता है वैसे लेवल 3 के अस्पताल में दाखिल होना चाहिए। आवश्यकता लेवल 2 और लेवल 3 की है। लेवल 1 तो होम आइसोलेशन में उसकी कमी को पूरी कर देता है, इसलिए हम पूरी तरीके से सतर्क हैं। और चूंकि उसके लिए मैन पावर भी चाहिए होती है, एक ट्रेंड स्टाफ की भी आवश्यकता होती है और जो बेड्स हैं उसके लिए, चाहे वो वेंटिलेटर हो, आईसीयू के लिए सभी व्यवस्था है, तो हमने सब चीज को सेट राइट करने के लिए
ऑलरेडी निर्देश दे दिए। बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर बेहद घातक होती जा रही है। देश में कोरोना वायरस के दस्तक देने के बाद पहली बार सोमवार को एक दिन में मिले कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,00,000 के पार पहुंच गई है। देश में बीते 24 घंटे में 1,03,558 नए कोरोना मरीज मिले हैं और 478 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। वहीं अगर यूपी की बात करें तो पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,164 नए मामले सामने आए हैं। अब राज्य में सक्रिय मामले 19,738 हैं। संक्रमण से अब तक 8,881 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने कड़े कदम उठाने का ऐलान किया है। अब प्रदेश में फिर से कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।